तो भैया जी आ चुके हैं, हम जा रहे हैं छत पे भैया को दोज देने के लिए। तो चलिए चलो। अच्छा भाभी जी, समस्या लगे बहुत कठिन परिस्थिति तभी इसको पहन लिया करना, ठीक। फिर अच्छा समय आ जाए भगवान जी को चढ़ा देना, फिर कठिन समस्या हो मन विचलित हो तो हमारे भोले बाबा सब काम के भोले बाबा के। अरे देख महादेव बोल लग गई है। पाँच रख, पाँच बस अब नहीं रख। इसको ना ऐसे पूछो क्योंकि ना वो या तो फिर आप बांध के करना साइड में रख लो क्योंकि वो तार दिखेगा वो नीचे नीचे यहाँ डालू पीछे से नहीं डलवाते हैं ये अगर अभिभाषण करते हैं तो वो भी लगाते हैं हमारे प्यारे योगी बाबा करे वो भी लगाते हैं मोदी जी भी लगाते हैं सबको लगाना पड़ता है ये तो आवाज के लिए है सही शुद्ध आवाज है। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं TV9 यहाँ। तो मैं इस वक्त हूँ रघुपुरा में क्योंकि आज भैया दूज और आज है स्पेशल मौका और आप देख रहे हैं हमारे साथ सीमा बैठी हुई है और एक तरफ उनके जो भाई हैं AP सिंह जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि भाई दूज का त्योहार है। और देखिए दोनों इस तरह से यहाँ पर यहाँ उनको वो भाई दूज मनाने के लिए पहुंची है बादल के पास अपनी बहन के पास। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर भाई दूज का जो है वो यहाँ पर मनाने के लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही है वो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। रघुपुरा में हूँ और यहाँ पर देखिए आप सारी चीज हम आपको कैमरे से दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से सीमा हैदर ने AP सिंह जी के साथ भाई दूज कैसे मना रही है। तो बातचीत भी करते चलेंगे साथ साथ और साथ ही साथ देखिए किस तरह से ये हर मौके पर चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज हर मौके पर AP सिंह यहाँ पर त्योहारों की तस्वीर आप सीमा के घर से देखते हैं। तो आज भाई दूज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए छोटी आपने क्या आपने बना लिया भाई दूज अभी करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ये सीमा के तो वो भी मनाएंगे। और उसके साथ साथ सीमा हैदर की तस्वीर आप देखते रहिए कि कैसे एक ही सिंह के साथ वो बांध रही हैं। देखिए सूत्र बांध रही है सूत्र और उसके साथ ही साथ भाई दूज मनाई जा रही है। तो सारे ये तो आज क्या हर बार आते हैं AP सिंह जी आपके पास यहाँ? जी बिल्कुल, हर त्योहार पे आते हैं भैया मेरे पास। और ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। आज भैया दौज है और भैया मेरे पास आए हैं, माता जी भी आई हैं, बहन जी भी आई हैं। अच्छा, तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है जो हम त्यौहार मना रहे हैं आज। ये भाई बहन का प्यार है और भैया आए हैं, ये भैया का मैं धन्यवाद करूंगी और इनका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और गर्व फील होता है कि मेरे भाई का परिवार आया है। हाँ, पूरी फैमिली आई है। तो AP सिंह जी पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, कौन कौन आया है? माता जी हैं, बहन जी हैं, पूरी फैमिली पूरा परिवार है इनका। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूजा सब कुछ हम साथ कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत पल हैं ये। एक साल गुजर गया, पिछले साल भी हमने भैया दूज मनाया था यहीं पर इसी जगह पर, आज दोबारा मना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, हिंदू रीति रिवाज। तस्वीर आप साफ साफ देख रहे हैं, भैया दूज मनाई जा रही है, पूरे परिवार के साथ AP सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी बहन हर घर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ सीमा किस तरह से मना रही भाई दूज वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज तो क्या वो भी हम तस्वीर में साफ साफ देखेंगे और AP सिंह जी से बात करेंगे साथ ही, क्या मिल रहा है आपको? एक्चुअली ये त्योहार सनातन रीति रिवाज पद्धति के अनुसार है। सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई तो भारत ने उसे
बेटी के रूप में भी स्वीकार किया, बहू के रूप में भी स्वीकार किया, और मेरे जैसे व्यक्ति ने बहन के रूप में भी स्वीकार किया। सीमा ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ प्रभु श्री राम है, अयोध्या का चल रहा था उस समय निर्माण कार्य, मंदिर का भव्य। तो मैंने कहा सीमा से कि रामायण देखना, रामायण हमें व्यक्ति को रहना सिखाती है, परिवार में कैसे रहा जा सकता है, कैसे प्रभु श्री राम अपने माता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए, कैसे लक्ष्मण भाई का धर्म निभाते हुए साथ चले गए, कैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष शासन काल चला दिया। रामायण हमें रहना सिखाती है, महाभारत हमें जीना सिखाता है कि महाभारत में अगर द्रौपदी का व्यवहार, कौरवों का व्यवहार, भीष्म पितामह का व्यवहार, जिंदगी में कैसे जिया जाए, क्या क्या कार्य किया जाए, तो हमें महाभारत ये दिखाता है, सिखाता है। गीता हमें कर्म सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता पर हमारी बहन सीमा सचिन मीना लगातार समाज में चल रही जन्नत, और कहीं नहीं यही जन्नत हो जाती है। भाई दूज पर बात करें तो आप क्या क्या दे रहे हैं गिफ्ट अपनी? हाँ, ये कुछ आप श्रृंगार से आभूषण जुड़े होते हैं और ये हैं और ये तोहफे हैं और ये मेन चीज ये है, ये बाबा अमरनाथ बर्फानी से हमारे पास आई। तो बाबा अमरनाथ बर्फानी की ये ऐसी अद्भुत माला है मोतियों की, और मैं इसे पहनाए दे रहा हूँ। और ये अब ये जब भी इन्हें कोई कष्ट होगा तो इसको पहन लेंगी सीमा सचिन मीना। और ये बच्चों के लिए है, ये बच्चे रखेंगे अभी, राज तुम रखो अभी सबके बदले, तुम रखो। तो मामा ने बच्चों को और ये है। और ये सनातन धर्म में सम्मान होता है पगड़ी का, तो ये पगड़ी भी इनके लिए लाए हैं, तो ये एक इनको दे रहे हैं, पगड़ी लगाएंगी जिससे कि। और ये हमारे जो भांजा है राज है, इसके लिए है ये राज, ये पगड़ी लगा के भैया द्वीज करेगा भी। और ये बच्चों के लिए है, ये पटके हैं, ये अभी पहनाएंगे, जैसे जैसे ये भैया द्वीज करेंगे वैसे वैसे होता है। सनातन सदैव सबका प्यार सिखाता है। सब बहनों को क्या कहेंगे देश के? मैं सबको ये सब मना रहे होंगे, हमारे सनातनी भाई बहन जो भी त्यौहार मना रहे होंगे उनको कहूँगी और अच्छे से मनाइए। और मैं पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज दूंगी, वो जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं उनको ये कहूँगी, देखिए ये है हिंदुस्तान और ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। साल में 2 बार भाई बहन के त्यौहार आते हैं, यह है सनातन धर्म की खूबसूरती। वो बहुत बकवास करते हैं, उनके लिए मैसेज है, अगर इस दुनिया में मैंने एपी सिंह जैसा भाई न कभी देखा था, न कभी देखा है, न कभी देखूंगी, इतने महान इंसान है। तो क्या फ़ोन आता है पाकिस्तान से आपके पास? फ़ोन तो कभी भी नहीं आता, ना मैंने कभी बात करने की कोशिश की, ना उनसे मेरी बात हो सकती है। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत उंगलियाँ उठाते हैं, सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं और मेरे भाई के लिए बोलते हैं। उनको पता नहीं भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, भैया दौज क्या होता है। उनको मैं कहूंगी आप देखिए, कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि सिंह सीमा के पास भैया दौज मनाने नहीं आएंगे, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। भाई बहन का प्यार है आपके कहने से न कम होने वाला है न कभी ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ रघुपुरा में भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, क्या अभी भी इतना ही लोगों का जमावड़ा रहता है आपके घर, लोग मिलने आते हैं? रोज़ाना आते हैं फ़ोटो खिंचवाने, मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। और रघुपुरा के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार बहुत सपोर्ट करते हैं। आज हम हंसी खुशी रह रहे हैं तो रघुपुरा के लोगों की वजह से ही है, क्योंकि वो हमें दिल से मुझे कबूल कर चुके हैं, दिल से मुझे भाभी और बहू मानते हैं। तो पाकिस्तान से किसी का कोई फ़ोन अब आपके पास? वो पता है, मैं भी अब हिंदू रीति रिवाज सब फॉलो कर चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत तरीका होता है ये दौज देना, मिठाई खिलाना, भाई की तरफ से गिफ्ट और बहन की तरफ से गिफ्ट, ये सब बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। सारे सनातनी भाई बहन मनाते हैं और अब मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी मनाती हूँ। उज्जैन से महाकाल से प्रसाद लेके आए थे उज्जैन से, ये वहाँ से बहन के लिए कामना करके आए, इनके बच्चों, इनके परिवार, इनके ससुराल और पूरे रघुपुरा के लिए ये कामना करके आए। महाकालेश्वर उज्जैन हमारी बड़ी मान्यता है और हमने इन्हें भी बताया है महाकालेश्वर के बड़ी प्रचलन है, तो वहाँ से प्रसाद लाए, सबको दिया गया है और भी आगे देंगे। तो भोले बाबा की कृपा है कि सीमा का परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सद्बुद्धि रहे, आपस में एकता प्यार बना रहे, बहुत अच्छी तरह। तो देखिए।